हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सरफराज खान और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बोटैनिकल गार्डन के बाहर रेस्टोरेंट में रिफ्रेशमेंट के लिए। कुछ खा पी रहे थे, आए सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया, निकल गए। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ रुके। तो आज मैं आपको बोटैनिकल गार्डन दिखाऊँगा अंदर से कैसा है और कैसे आप आ सकते हैं, कौन कौन आ सकता है यहाँ पे और क्या है देखने के लिए, टिकट प्राइस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए चलिए देखते हैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर क्या क्या है। फाइनली एंटर कर गए हैं अंदर बोटैनिकल गार्डन के अंदर। इसका नाम, पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन है। हाँ, तो गाइस फाइनली अंदर एंटर कर चुके हैं और ये सामने मैप है। मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कैसे जाना है। सो फाइनली एंटर कर गए, चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है अंदर में। थोड़ी देर चलते ही आपको ये झील दिखेगा, ये छोटा सा पुल है, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर आने के बाद। नहीं तो गाइस, थोड़ी देर चलने के बाद मुझे ये झील दिखा, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये छोटा सा पुल, वहाँ पे बतख भी है और सामने से छोटा हाथी, ये भी आप देख सकते हैं। बतख कहाँ है? बतख नहीं है, बोगला है। आप बोगला तो देख सकते हैं। हाँ बतख है, बतख है ना। अरे सही से देखो, पेड़ का डंडी है जी। तुम्हारा भी आँख खराब, तुम्हारा कैमरा भी खराब, कोई काम का नहीं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, घूमते घूमते अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख के, तो व्यूज अच्छा लगा तो बैठ गए, थक भी गए, अंदर चल गया आकर। और आप यहाँ पे मेन मोटिव आने का ये था कि ग्रेट बनियान ट्री दिखाना था आप लोगों को, जो 250 साल पुराना है, तो उसको देखना है। चलिए उसको देखते हैं कहाँ पे है, पहले देखता हूँ मैं खुद, पता करता हूँ कहाँ है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए देखते हैं। सो गाइस, अभी तक चल रहे हैं तो अभी अपना दोस्त से पूछते हैं। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ बट ये आता जाता रहता है, तो इससे पूछेंगे यहाँ का पहले कैसा था ये और अभी कैसा है, क्या चेंजेस आया है। कोई बात नहीं, तो क्या इसका स्पेशलिटी है, तो चलिए उससे पूछते हैं। चलो फरदूस, बताओ क्या तुमको चेंजेस लगा। सो गाइस, सबसे पहले जैसे इसने बोला क्या स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी यहाँ पे और कुछ नहीं। देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं, ब्यूटीफुल से रुक जाओ, जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जूम हो नहीं रहा कोई बात। सो बस यही सब कुछ ब्यूटीफुल प्लांट्स जो हैं, यही सब कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल है द ग्रेट बनियन ट्री। कितने साल पुराना था वो? 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। एंड हाँ, उसके अंदर आप पहले घुस सकते थे बट अभी उसका गेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इतना पुराना है ना कि उसको कोई टच करके ख़राब ना कर दे। उसमें पहले बहुत कोई अपना आके नाम वगैरह लिख देते थे एंड प्लास्टिक वगैरह वहाँ पर आकर फैला दिया करते थे। तो हाँ, सबसे पहले चीज़ ये कि यहाँ पे आके आप लोग प्लीज़ प्लास्टिक वगैरह मत लेके आना, और लेके आते भी हो तो प्लीज़ उसको बैग के अंदर लेके रिटर्न चले आना। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर जगह को ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ आगे में, थोड़ा सा दूर और है एंड बहुत ज़्यादा धूप है यार। ब्यूटी ऑफ नेचर समझते हैं ना, बस यहाँ आ जाइए, नेचर की खूबसूरती को आप देखिए। हाँ, कितना खूबसूरत है ये जगह सच में, आप यहाँ आएंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे यहाँ की खूबसूरती देख। तो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ देख के आप पढ़ लीजिए क्या है। ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा बोटैनिक गार्डन है वर्ल्ड का गार्डन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1787 में कोल रॉबर्ट केल्ड एंड सिचुएटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड स्प्रेडिंग ओवर एन एरिया ऑफ 278। कोई बात नहीं, हम लोग को लेट हो रहा था, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। ये 273 एकड़ में फैला हुआ है, 26 वेल इंटरकनेक्टेड लेक्स है। सो गाइस, 10 मिनट चलने के बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं द ग्रेट बनियन ट्री के पास। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
तो गाइस आ गए दी ग्रेट बनियन ट्री के पास, सामने ही है, थोड़ी सी दूरी पे हम लोग के जा रहे हैं। सामने से आपको सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करना। बंदर से डर लगता है क्या? बहुत ज़्यादा भाई। कभी बंदर से चमेट खाए हो? हाँ खाए हैं। यहाँ पे एक बार बंदर एक बच्चे को चमेट मारा था, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे थे पहले ही। भाई बच के रहना होगा तो। ठीक है चलो आप लोग दिखाते हैं सामने से। चलिए सामने से दिखाते हैं। हम लोग आ गए हैं ग्रेट बनियन ट्री के सामने। तो इसके अंदर नहीं जा सकते, पूरा फेंसिंग किया हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। जैसे फरदूस ने कहा आप लोगों से, सो बस बाहर से मैं आपको, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए इसका। द ग्रेट बनियन ट्री, इसके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। ये वॉशरूम है और यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं, घर से खाना लेकर आएँ, खा पी सकते हैं या खाना ला सकते हैं। बट हाँ, लेकिन आप प्लास्टिक अंदर नहीं ला सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ प्लास्टिक नहीं ला सकते अंदर। सो झूला में लेके आ जाना खाना, आके यहाँ पे खाना पीना, तो बच्चों को लेके आना। प्लास्टिक वो प्लास्टिक किस कहते हैं, बोल सकते हो कपड़ा का आता है ना, जो पत्ते का प्लेट होता है ना, वो आप लेके आ सकते हैं, वो सब लेके आ सकते हैं, लीफ प्लेट्स वगैरह लेके आ सकते हैं। बस ऐसी चीज मत लाना जिससे नेचर को नुकसान हो, खूबसूरती खत्म हो जाए। तो आके यहाँ एंजॉय करना यहाँ। तो यही था जो था, मैंने दिखा दिया और ज़्यादा कुछ तो दिखाने को यहाँ पे है नहीं। और मैं अब निकल रहा हूँ बाहर, रास्ते में कुछ दिखा तो आपको दिखा दूंगा। हो गया घूमना, मैंने बोटैनिकल गार्डन आप लोगों को दिखा दिया। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करना, बट लाइक डिसलाइक का बटन छोड़ के मत जाना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड हाँ, वहाँ पे एक आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज साड़ ये सर ऐसे 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 करके अगर ठोक दो या तोड़ दो फोड़ दो, जो करना आपको करो, यही सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में बेल आइकन ऑन कर लेना। तब के बंद मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।